फ्रेंड्स, मैं हाजिर हुआ नेक्स्ट वीडियो आपको लेके। राम मालव देव का इतिहास अपन पढ़ रहे थे, उसी को मैं आगे जारी रखूंगा। उसमें मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह से उसको पढ़ाया हुआ है। जो भी बिंदु थे इंपॉर्टेंट वो आपको बताए, उसके जो भी शादी वगैरह जो स्टोरी सुनाई आपको। आगे भी एक इनका युद्ध हुआ था जो गिरि सुमेल का युद्ध है, ठीक है। गिरि सुमेल का युद्ध ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। कितनी बार इसका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं, राजस्थान का राजस्थान है, यहाँ पे है जोधपुर। यहाँ पे शासक कौन है? मालदेव, ठीक है। यह मालदेव शासक है। उस टाइम की बात है, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे शासक है शेरशाह सूरी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आपको बताया कि उस टाइम में क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है, कन्नौज के युद्ध में। 1540 की बात है उस टाइम में। तो फिर क्या हुआ कि आपको बताओ कि मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन था, बीकानेर का शासक था राव जेसी। इसको मार दिया था किसने? साहेबा के युद्ध में मालदेव ने। तो इनका पुत्र था कल्याण मल, इनका पुत्र था कल्याण मल। तो फिर क्या हुआ कि जो मालदेव था, इनको हुमायूं ने क्या किया, फोन किया, भाई हुमायूं साहब, आप हुमायूं ने फोन किया मालदेव को कि जी मैं, मेरे साथ में ये है, मुझे थोड़ी सहायता चाहिए, हेल्प करनी है। तो फिर मालदेव ने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है, आ जाओ, अपन कर लेंगे आपकी हेल्प। तो फिर ये बात सुनगी किसको, पते कान में गई, कल्याण मल के। कल्याण मल तो अपने इसी के ताक में था कि भाई कैसे ना कैसे मुझे कुछ मिले और मैं, ठीक है, अपना बदला ले सकूं मेरे पिताजी का, जो राजेश थे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने इससे सूचना भेजी किसको, इनको, शेरशाह सूरी को, कि ये बात है कि हुमायूं जो मालदेव से मिलने वाला है और ये मिलने वाला है और मिलेगा और इनकी सहायता करेगा वगैरह। और उस टाइम में मालदेव का बहुत ही वर्चस्व था, मालदेव बहुत ही मान शासक था, ठीक है। तो बहुत बड़ा युद्ध था, इस कारण ने इसको भी डर लग गया किसको, शेरशाह सूरी को। बात फिर इन्होंने फोन लगाया मालदेव को, ठीक है, इन्होंने भेजा संदेश कि मालदेव आपको हुमायूं आए तो उसको ना तो सहायता करनी है ना कुछ करना है, आप उसको बंदी बनाना है एक तो, ठीक है, और बंदी बनाने के बाद मुझे सपूत करना है, ठीक है। तो फिर मालदेव ने उस टाइम कहा कि ठीक है, हाँ। फिर आया फिर 1542 की बात है। फिर 1542 में हुमायूं दोनों की मुलाकात हुई। एक स्थान, इसका नाम है जोगी तीर्थ, इसका नाम है जोगी तीर्थ स्थान है। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई, हुमायूं व मालदेव की मुलाकात हुई। कहाँ पे हुई मुलाकात? एक स्थान है जोगी तीर्थ, जोगी तीर्थ पे इन दोनों की मुलाकात हुई। 1542 की बात है। ये बात पता चली किसको, कल्याण मल को। तो कल्याण मल ने वापस फोन लगाया दिल्ली, दिल्ली फोन लगाया कि कौन बोल रहे हो, कि शेरशाह, ठीक है शेरशाह, आपको एक नई खबर दे रहा हूँ मैं आपको, ये क्या कि हुमायूं और मालदेव की क्या हो गई, मुलाकात हो गई। और जैसा आपने कहा था कि उसको बंदी बनाना, बंदी तो नहीं बनाया लेकिन एक बार के तो ठीक किया, तो एक काम, आपकी बात मानी नहीं, ये क्या बात नहीं मानी कि आपने कहा था कि मुझे सबूत करना है, उसको बंदी बना के मुझे सबूत, वो तो बात मानी नहीं, उसको जाने दिया, उसकी हेल्प तो नहीं की लेकिन मतलब जाने दे दिया, बंदी है, बंदी नहीं, बंदी बनाने का, वो आपको बंदी बनाया नहीं, ठीक है। ये बात
शेरशाह के मन में खटकी और उन्होंने कहा, इन्होंने वापस इसको संदेश भेजा मालदेव को कि भाई तूने क्यों, मैंने तुझे क्या कहा था, मैं दिल्ली का शासक हूँ और आपको बोला जो आपने काम किया नहीं, ठीक है। तो मालदेव ने सोचा कि मैं भी किया, मैं भी तो बहुत बड़ा शासक हूँ राठौड़ वंश का और मेरा भी बहुत वर्ष, मैं यहाँ पे इतने मेरे अधिकार है आसपास के क्षेत्रों पे, तो ठीक है कि जो भी होगा। तो दिल्ली शेरशाह ने कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो मालदेव ने कहा ठीक है आ जाओ, हम भी तैयार है। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे शेरशाह आया एक जगह, यहाँ पे एक जगह इसका नाम है, स से याद रखो, सुमेल, एक सुमेल, ठीक है। और फिर यहाँ से एक जगह यहाँ आया, ये मालदेव की सेना गिरिस्तान पे, ठीक है, तभी इसको नाम बोलते हैं गिरि सुमेल का युद्ध। फिर क्या क्या, मालदेव ने लगभग इनके अच्छे खासे सैनिक थे इनके पास, और जैता कुपा इनके बहुत ही वीर सेनापति थे इनके पास, जैता कुपा, इन्होंने क्या किया, तीन भागों में अपनी सेनाएं बांट दी, तीन जगह बांट दी हैं, एक मालदेव का, एक जैता का, एक कुपा का, ठीक है। ये तीन जगह अपने ये बांट दी और 50,000 50,000 सैनिकों की लग बीच में बांट दिया। और फिर क्या हुआ, फिर ये आया और फिर इन दोनों लगभग, ये बात है 4 जून के, मतलब हाँ मतलब ये 3 जून में डेरा डाला था, 3 जून के अंदर और 4 जून के अंदर ये बात हुई थी। उसमें क्या हुआ, यहाँ पे दोनों सेना आई लड़े और अच्छा कार्य चल रहा था, किसका, यहाँ पडला भारी चल रहा था इनका, किनका, इनका मालदेव का। तो फिर इन्होंने दोपहर के 2 बज गए, 4 जून की बात है, दोपहर के मतलब 2 बज गए उस दिन। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अपन, शेरशाह को पता चल गया कि अपन तो हारने वाले हैं। इन्होंने क्या कहा कि, इन्होंने कहा कि मेरे नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, किसका नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने का टाइम हो गया शेरशाह सूरी का, ठीक है, नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। फिर क्या किया कि यार शेरशाह को लग गया कि भगवान अब इस बार तो बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, अब तो अपन के दिल्ली की राजगद्दी गई, ये भगवान नमाज पढ़ रहा है और प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। उसी के टाइम जैसे तैसे दिन निकला और शाम हुई, रात हुई, और फिर इन्होंने एक प्लान लगाया, शेरशाह के मन में एक प्लान आया कि हम ऐसा करते हैं, इन्होंने एक झूठे खत लिखे, ठीक है, और यहाँ इनका वो बना हुआ है जो रात के सोते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, पांडाल समय कुछ इनका जो भी थे वो सोते हैं, टेंट, ठीक है, टेंट लगा हुआ है इनका, जैता और कुपा का, यहाँ पे मालदेव का जो टेंट लगा हुआ है, और जैता कुपा के बाद में जो क्या क्या वो लिखा खत और इनको चारों तरफ डाल दिया यहाँ पे दोनों के, उसमें लिखा कि भाई 10,000 10,000 10 10,000 दोनों को दे दिए, जैता और कुपा को 10,000 10,000 रुपये दे दिए, ये हमारे सेना के अंदर आ गए, ये आ जाएंगे। तो क्या हुआ, सुबह के टाइम ये तो सो रहे थे जैता और कुपा, और मालदेव की नींद खुली और बाद में देखा कि खत पड़े, और इन्होंने सोचा मालदेव ने कि ये दोनों अपन के जो विश्वास पात्र थे वो विश्वासघात कर लिया है, और इन्होंने तो ये शेरशाह के मतलब पक्ष में चले गए और मुझे धोखा दे दिया। फिर ये बात बिना सोचे कुछ मालदेव यहाँ से भाग गया और सिवाना भाग गया, ठीक है, जो कहाँ पे जालौर में है, तो सिवाना भाग गया, वहां पे सिवाना भाग गया और वहां पे चला गया। फिर ये बात पता चली, दूसरे खत पड़ा किसको, जैता और कुपा को, कि भाई अपने तो को उल्लू बना दिया और मालदेव के मन में विश्वासघात, विश्वास को, मैं हमारे विश्वास को तोड़ दिया, ये बात पता चल गई इनको। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास सैनिक भी बहुत कम बचे हैं, जो भी था थोड़े बहुत उनके पास चले गए, किसके साथ में, मालदेव के साथ में। फिर उन्होंने कहा कि हम भी यार क्यों, सौंभी भक्त है अपन, कि अपन तो लड़ेंगे, अब राजस्थान के वीर योद्धा हैं, राठौड़ वंश के योद्धा हैं, अपन ऐसे कैसे, तो जो भी होगा देखा जाएगा कि इस बार क्या, अब हमको भी याद करेगी इतिहास में स्वामी भक्त थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, थके आ रहे तो थे ही, फिर इन्होंने वापस सुबह 9 बजे युद्ध स्टार्ट हुआ इनके, 5 जून की, उस दिन 5 जून थी, ठीक है, 5 जून 1544 की बात है ये। फिर भी बहुत इतने खतरनाक, पूरे स्वामी भक्ति से लड़े इतने, कि मतलब शेरशाह सूरी इस टाइम ऐसा लग गया है कि शेरशाह सूरी तो हारने वाला है, इतनी हालत खराब होगी, वापस इस टाइम भी 2 बज गए, लगे बज गए थे। फिर
इनका तब तक इनका शेर शाह का एक था थोड़ा, इन्होंने वापस कहा कि मेरे नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। अभी तब तक जैसे जैसे टाइम निकला और इनका एक जो सेनापति था नई सेना लेके आ गया जिसका नाम था जलाल खां। जलाल खां था, वो एक नई सेना लेके आ गया। जलाल खां नई सेना लेके आ गया, ठीक है। फिर तो क्या करना, फिर तो हारना ही था, क्या करे। सैनिक थक के घर गए थे जटाकुपा, और फिर उन्होंने युद्ध किया और उसमें मालदेव की हार हुई। जटाकुपा शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। उस टाइम मतलब इनका इतिहास में आज भी इनको जटाकुपा को याद किया जाता है कि भाई इतने वीर थे। अगर इस टाइम में मालदेव गए नहीं होते, मालदेव को ये मतलब जो गलत फहमी नहीं हुई होती, तो राजस्थान का इतिहास कुछ और होता। तो दिल्ली में मुगल शासक थे वो नहीं होते, उस टाइम दिल्ली में शासन मालदेव का होता और मालदेव वहाँ का शासन करता, ठीक है। ये था गिरीश सुमेल का युद्ध। एग्जाम में आता है कि कब हुआ था, अब कितनी बार तारीख आते हैं, 3 जून, 4 जून, 5 जून, तारीख भी आती है तो 15 5 जून 1544 को है, ठीक है। गिरीश सुमेल का युद्ध आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे माल इसका अधिकार हो गया, किसका, शेरशाह का अधिकार हो गया। और शेरशाह ने एक इस टाइम एक डायलॉग मारा था कि बहुत ही बहुत वैसे वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता। शेर शाह ने डायलॉग क्या मारा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितने पराक्रमी साहसी योद्धा थे। तो ओ जो जैता और कुपा साथ में मालदेव, कितना इतिहास था कि इतने छोटे से सेना होते हुए भी दिल्ली के महान शासक एक बार तो इनको धूल चटा दी थी। ये तो हारते हारते बच्चे थे, ठीक है। और उसके बाद में अपन जो निर्माण की बात कर ले, मालदेव ने क्या क्या निर्माण करवाए थे इनके, तो निर्माण की बात कर ले, इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसे बोलते हैं मालकूट दुर्ग, और जिसका एक दुर्ग का और निर्माण, इसका नाम धौलपुर, धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग है, सोजत का दुर्ग है, ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग है जो कहाँ पे है, धौलपुर में है, सोजत दुर्ग है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने पोखरण दुर्ग है, ठीक है। और एक फारसी जो इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार ने उन्होंने कहा था मालदेव को, भारतीय इतिहासकार ने कहा था, फारसी इतिहासकार हसमत वाला राजा, ये भी क्वेश्चन आता है कि हसमत वाला राजा किसको कहा, मालदेव को। हसमत वाला राजा था जो किसको बोलते हैं, मालदेव को, ठीक है। और फिर जो ये जोधपुर का प्रशासन था, एक शेरशाह ने ख्वास का नाम के व्यक्ति को सौंप दिया था जोधपुर प्रशासन। इसके बाद शेरशाह ने जोधपुर का प्रशासन था, ख्वास खां को सौंप दिया था, लेकिन थोड़े टाइम बाद में वापस मालदेव ने इस पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसी के बाद ये मालदेव का इतिहास खत्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया कि मालदेव है, आपको याद कर लेना है जो भी मैंने बताया है, वो आपको याद करना है। इसमें कोई युद्ध के बारे में ये है, ये हसमत वाला राजा किसे कहते हैं, ठीक है, इसका शादी रोटी रानी है वगैरह, वो एक वो सब बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, याद कर लेना है। आपको मैंने भी स्टोरी के दोनों स्टोरी के फलस्वरूप बताया कि ये होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको कहना चाहूँगा कि मुझे मेरे हिसाब से मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, ठीक है। आप इसलिए आपसे निवेदन, आप कहता हूँ कि आप हमारी सक्षम क्लासेज है, इस सक्षम क्लासेज है, आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
ठीक है, आप इस पे मैसेज कीजिए जिससे आप ग्रुप में ऐड हो सके और आपको जो तुरंत अपडेट मिलती रहे, और इसी प्रकार अपन वीडियो बनाते रहेंगे और आपको भेजते रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे देखते रहिए, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।